देश की जनता जनार्दन ने निर्णय देकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता मोदी जी को देश की कमान सौंपी। मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्याय और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा, उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। और यह कार्य बकायदा वहां पर हुआ है और आज उसी का परिणाम है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहाँ पे सहप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में पहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर, आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में
घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं, इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो, यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे, और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था, क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्यों नहीं किया? कारण है, इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान प्लान कर रहा है, माफिया हर एक जगह हावी हो गए हैं, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, कहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है, और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है जब पर्व और त्योहार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है। बहन और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था, आज यूपी तो न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है।